Hello students, how are you? First of all, I wish you good afternoon and I hope you all will be great and healthy today. I am Mrs. Anupam Dubey from Government Middle School Tanda, Block Dharsiwa. And I am going to teach you today a very beautiful poem from your English textbook, Lesson 16, and the title is The Mountain and the Squirrel. As you know, this poem is written by Ralph Waldo Emerson, an American poet. Now, in this poem, the poet gives the message to everyone that every individual's talents are different and cannot be compared to anybody else's talent. मतलब कि ये जो poem है, आज हम जिस poem को पढ़ने वाले हैं, उससे आपको एक सीख तो जरूर मिलने वाली है कि इस दुनिया में हर एक प्राणी, हर एक चीज, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सब में कुछ न कुछ योग्यताएं होती हैं। भगवान ने अगर किसी को इस धरती पर भेजा है तो उसको किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भेजा है ना। और उसमें जो खूबियां हैं, उसमें जो योग्यताएं हैं, वो उसकी अपनी है और उसको किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस लेसन में, इस पोयम में हम यही देखने वाले हैं। मैं यहाँ से पोयम रीड कर रही हूँ और आप भी वहां अपने पास बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 99, और ये लेसन 16 निकाल लीजिए। मेरे साथ साथ आप भी वहां साइलेंट रीडिंग कीजिए और उच्चारण को समझिए। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। स्क्वेरल मतलब गिलहरी है ना, एक पहाड़ और गिलहरी के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, ये देखेंगे आप। जैसे कि इमेज में भी आप देख सकते हैं, एक साइड एक माउंटेन है और दूसरी तरफ एक गिलहरी है, दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो क्वारल का रूप ले लेती है। क्वारल मतलब झगड़ा, झगड़े का रूप ले लेती है। किस प्रकार का झगड़ा और किस बात का झगड़ा, ये हम देखेंगे कविता में। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वारल। एक बार एक बड़े से पहाड़ और एक गिलहरी के बीच झगड़ा हो गया, बहस हो गई। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। फॉर्मर मतलब पहले वाले ने, पहला वाला कौन, माउंटेन। कॉल्ड द लेटर, दूसरे को कहा। लेटर का मतलब यहाँ पर दूसरा, चिट्ठी नहीं समझिएगा, लेटर का मतलब वो LETER होता है ना, यहाँ पे LATER, लेटर, दूसरे वाले को, बाद वाले को क्या पुकारता है, लिटिल प्रिग। प्रिग मतलब तुम बड़ी आदर्शवादी बनती हो, बहुत सिद्धांतवादी बनती हो, छोटी सी हो लेकिन इतने आदर्शों का बोझ उठा के चल रही हो, इस तरीके से वो उसे चिढ़ाता है, उसे बुलाता है। बन रिप्लाइड, यहाँ पे बन का मतलब गिलहरी से लिया गया है। बन का मतलब जूड़ा होता है जो लेडीज अपने बालों में बांधती है ना, गोला सा। आपने गिलहरी को तो देखा होगा, अगर वो छोटी सी हो जाए, अपने आप को सिकोड़ ले तो कैसी दिखती है, एक छोटे से बन के जैसे दिखती है, इसलिए यहाँ पर उसको बन कहा गया। बन रिप्लाइड, गिलहरी जवाब देती है। क्या जवाब दिया उसने, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। इसमें कोई शक नहीं है कि आपने, कि आप बहुत बड़े, डाउटलेस कोई शक नहीं है कि आप बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन एंड टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्फीयर। लेकिन ये चीज तो तुम्हें भी मालूम होगी कि सभी प्रकार की चीजें, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, सभी प्रकार की चीजें और बहुत अलग अलग प्रकार के मौसम जब एक साथ मिलते हैं तभी तो एक साल बनता है। क्या किसी एक मौसम से या एक चीज से आप पूरा साल बना लेंगे क्या? एक साल में कितनी सारी चीजें होती हैं, दिन होते हैं, महीने होते हैं, हफ्ते होते हैं, तारीखें होती हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, ठंडी गर्मी बारिश सारी चीजें होती हैं, तभी तो मिलके एक साल बनता है। क्या किसी एक से बनता है क्या एक साल? नहीं ना। एंड अ स्फीयर, और ये हमारी धरती भी इसी प्रकार से बनी हुई है। ये हमारा जो गोला है, गोला का मतलब यहाँ पर धरती से लिया गया, ये भी इसी प्रकार से अलग अलग चीजों से बनी हुई है। जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, ये पांच तत्व हैं कि नहीं पृथ्वी को बनाने के लिए? सारी वनस्पतियां, ये सारी चीजें, आप, मैं, हर एक प्राणी, इन सब से मिलकर हमारी धरती बनी है। क्या किसी एक चीज से बनी है क्या धरती हमारी? नहीं। तो जब भगवान ने इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया है ना, भगवान ने सारी चीजें इस धरती को बनाने में इस्तेमाल की है, तो तुम कैसे मुझे छोटा साबित करने में तुले हो? तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम महान हो और मैं नहीं हूं, मैं भी अपनी जगह पर हूं, तो क्या हुआ तुम बहुत बड़े हो? यू आर डाउटलेस वेरी बिग, बोल रही है ना।
इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो, मैं भी तुम्हारी जैसे नहीं बन सकती, यानी कि मैं इतनी बड़ी नहीं बन सकती, लेकिन तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं बन सकते। यहाँ पर बात का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अपन किसी को कभी कभी नीचा दिखाने के लिए कहते हैं, देखो मेरे पास तो ये, मेरे पास तो वो, ऐसा तेरे पास क्या, तुम ऐसे नहीं हो। कई सारी चीजें ऐसी आती हैं स्कूल में, आपकी निजी जिंदगी में, बहुत सारी जगहों पर आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। हर एक व्यक्ति में, हर एक इंसान में, हर एक बच्चे में, दुनिया की हर एक चीज में अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। चाहे एक छोटी सी चींटी को आप ले लीजिए, उसकी अपनी एक जगह है इस धरती पर, उसका अपना एक काम है। और चाहे कोई बहुत बड़ा हाथी क्यों ना, वो भी जरूरी है धरती को जिंदा रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, और एक चींटी भी उतनी ही जरूरी होती है। तो क्या हुआ, हाथी विशालकाय है और चींटी बहुत छोटी सी है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि चींटी तुम बहुत तुच्छ हो और तुम्हारा इस धरती में कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये गलत है। और इन दोनों के बीच भी जो बहस हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है। माउंटेन को बहुत प्राउड है, बहुत अभिमान है इस चीज को लेके कि वो बहुत बड़ा है, साइज को लेके, है ना, कि मैं बहुत बड़ा विशाल हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, बहुत बलवान हूँ, तुम क्या चीज हो, इस तरीके की भावना उसके अंदर। तो देखो गिलहरी क्या तर्क दे रही है, क्या बातें रख रही है उसके सामने। और आपसे मैं आखिरी में पूछूंगी कि क्या आप गिलहरी की बातों से सहमत हैं, तो इसलिए ध्यान से इस कविता को सुनेंगे, क्योंकि वो जो तर्क दे रही है क्या आप उससे सहमत हैं कि नहीं, जो बातें उसने कही। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, चलिए। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मुझे इसमें बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती, मुझे इसमें बिल्कुल भी छोटापन नहीं लगता कि मेरी भी अपनी जगह है, मैं ये बोल सकूं किसी को कि हाँ इस धरती में मेरी भी अपनी जगह है, मैं भी किसी काम की हूं, है ना। मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, गिलहरी ऐसा कहती है। इफ आई एम नो नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूं, तुम्हारी जितनी विशाल नहीं हूं, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तुम भी तो मेरे जितने छोटे नहीं हो, है ना। फिर क्या बोलती है, देखो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वारल ट्रैक। मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं है, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करूंगी। डिनाई करना मतलब इनकार कर देना, साफ मना कर देना। लेकिन गिलहरी कहती है, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करूंगी कि तुम पहाड़ हो, तुम्हारे ऊपर जंगल है, और जंगलों में गिलहरियों के चलने के लिए और उनके आने जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, ठीक है, बहुत सारे रास्ते तुमने बना के रखे। टैलेंट्स डिफर, योग्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, डिफर का मतलब अलग अलग होना। ऑल इज वेल एंड वाइसली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नेदर कैन यू क्रैक अ नट। लेकिन इन सारी चीजों को बुद्धिमता पूर्वक लेने की जरूरत है। अगर भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, तुम्हारे ऊपर इतना सारा जंगल है ना, तुम इतनी सारी पेड़ पौधों को अपने ऊपर लादे रहते हो, जो एक मौसम बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो मौसम कैसे बन पाएगा, बारिश कैसे होगी। लेकिन मेरी भी इस धरती में जगह है, पेड़ों को उगाने में मेरा भी योगदान है। आप बोलेंगे कैसे गिलहरी का पेड़ उगाने में योगदान है। गिलहरी देखो बच्चों फल खाती है, और फल के बीज जो है ना इधर उधर जमीन में गाड़ देती है, उसकी आदत होती है, और उसको गाड़ के वो भूल जाती है। तो अंततः जब भी कभी बारिश होती है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि सारे के सारे वो पेड़ बन जाते हैं, लेकिन उसमें से आधे तो बनते होंगे, कुछ में तो अंकुर फूटता होगा और कुछ बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले लेते होंगे। तो पर्यावरण को बनाने में गिलहरी का भी तो योगदान है ना। तो यही वो कह रही है कि अगर मैं अपनी पीठ पर जंगल नहीं लाद सकती, नेदर कैन यू क्रैक अ नट, तुम भी तो एक नट क्रैक नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे दांत हैं, क्या तुम अखरोट तोड़ सकते हो। उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक जवाब दिया, और इस तरीके से उसने माउंटेन को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा और मेरा दोनों का टैलेंट जो है, जो योग्यता है, वो अलग अलग है, तुम मेरी जगह नहीं ले सकते और मैं भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। यहाँ पर गिलहरी को घमंड नहीं है बच्चों, है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तार्किक ढंग से माउंटेन को समझा रही है कि देखो हम दोनों के पास कुछ ना कुछ योग्यताएं हैं, और उन दोनों को लेकर, मतलब हम दोनों के पास जो योग्यता है उन दोनों को लेकर हमें क्या करना चाहिए, खुश होना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कविता समझ में आई। आगे मैंने हिंदी में भी अर्थ इसका वो किया है, और अच्छे से आप समझ जाएंगे। आप
अनम्यूट है ना सर बच्चे सर, आप लोगों को समझ में आई ना कविता? यस मैम। ओके, अब ये देखो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि जो लाइनें लिखी हैं द माउंटेन, उसके बाद एलिप्सिस डॉट्स हैं एंड स्फेयर, इसका मतलब है बीच में और भी लाइनें हैं, ठीक है ना? तो इसका यहाँ पर हिंदी में अर्थ लिखा, एक बार पहाड़ और एक गिलहरी झगड़ा करने लगे, पहले वाले ने कहा बाद वाले को तुच्छ जीव। गिलहरी बोली, कोई शक नहीं इसमें कि बड़े हो तुम, लेकिन कई चीजों की जरूरत होती है और मौसम की भी होती है जरूरत, ये सब मिलकर ही बनते हैं बनाते हैं किसी एक वर्ष को और एक गोले को, यानी हमारी धरती को। देखो कितने अच्छे ढंग से समझा रही है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो मैंने लिया हुआ है, ये यहाँ से स्टार्ट है। हाँ, एंड आई थिंक इट्स नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस से लेकर है ये एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है, डिसग्रेस अपमान, ऑक्यूपाई भरना, स्प्राय का मतलब होता है फुर्तीला चंचल। यहाँ पे गिलहरी क्या कह रही है देखो, और मुझे तो ऐसा कोई अपमानजनक नहीं लगता जैसी मैं हूँ वैसी होने में, मतलब तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम तो छोटी सी हो, तुच्छ हो, मेरे जितनी बलशाली नहीं हो, बलवान नहीं हो, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी होने में मुझे कोई भी अपमान नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारी जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मुझसे फुर्तीले नहीं हो। गिलहरी कितनी फुर्तीली होती है ना, आपने देखा ही होगा, एकदम से यहाँ भागती वहां भागती है, बिल्कुल एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। मेरे आधे भी तो तुम फुर्तीले नहीं हो, है ना? तुम तो मेरे आधे के आधे भी फुर्तीले नहीं हो। माउंटेन तो बिल्कुल फुर्तीला नहीं होता, वो तो एक ही जगह पे रहता है वैसे भी, ठीक है? अब आगे देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है इसमें। आई विल नॉट डिनाई यू मेक, ठीक है, यहां से लेके वो लास्ट है, लास्ट लाइन, नेदर कैन यू क्रैक अ नट। यहाँ पे मैंने वो वर्ड मीनिंग भी लिखी हुई है, डिनाई का मतलब साफ इनकार कर देना, प्रिटी सुंदर, ट्रैक निशान या रास्ते का निशान, टैलेंट प्रतिभा, डिफर मतलब भिन्न या अलग होना, ऑल इज वेल सब कुछ अच्छा है, क्रैक करना मतलब तोड़ना, नट अखरोट या कोई भी कड़ा फल जिसको बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इसका हिंदी में अर्थ है, इनकार नहीं मुझे इस बात से कि तुम हमारे लिए बहुत सुंदर रास्ता बना दिया करते हो, पर अगर मैं अपनी पीठ पर जंगलों को लाद नहीं सकती तो तुम भी नहीं तोड़ सकते अखरोट या वैसे ही किसी कड़े फल को। देखो यहाँ पे उसने, गिलहरी ने क्या पकड़ा अपने हाथ में, एक अखरोट पकड़ा हुआ है ना। गिलहरी कितनी आसानी से अपने दांतों से अखरोट तोड़ लेती है, लेकिन माउंटेन तो ऐसा सोच भी नहीं सकता करने की। तो यहाँ पर बस यही बताने की कोशिश की गई है कि हर एक चीज में, धरती में जो हर एक चीज है उसकी अपनी एक अलग विशेषता है, अपनी एक योग्यता है, और हमें किसी की भी योग्यता को दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। और आजकल की पढ़ाई में, आजकल के स्कूली डेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिलहरी से बोलते हैं कि आप माउंटेन का काम करो, और माउंटेन से बोलते हैं आप गिलहरी का काम करो, मतलब जो जिस काम को नहीं कर सकता हम प्रेशर देते हैं वो करने के लिए। क्यों ना उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें वैसी चीजें सिखाई जाए जिसमें उनका मन लगता है, जिसमें वो अच्छे हैं, तो वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे? आप बताइए, मैं क्या गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ? बताइए, सही बोल रही हूँ, है कि नहीं? मतलब आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप जिसमें अच्छे हो, अगर उसी चीज को, आपकी प्रतिभा को उभारा जाए तो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये वर्ड मीनिंग और है, ये बुक की वर्ड मीनिंग, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग है। इसको भी बच्चों आप लोग पढ़िएगा, याद कीजिएगा, और कोई अगर शब्द आपको समझ में नहीं आता तो डिक्शनरी है आप सभी के पास, डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल है, गूगल असिस्टेंट खोलिए, उसमें से आपको वर्ड मीनिंग मिल जाएगी। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू आर इन एट्थ क्लास एंड यू हैव टू डू दिस। तो इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है? स्क्वायरल, मैं सिर्फ इसके आपके वर्ड, जहाँ जो लेफ्ट साइड में वर्ड लिखे उन्हीं का मैं मतलब बताऊंगी हिंदी में, बाकी आपका काम है कि आप डिक्शनरी से ये जो सेंटेंस लिखा है, जो मतलब उनके लिखे हुए हैं मीनिंग, आप उनको ढूंढेंगे और कोशिश करेंगे उसको समझने की। स्क्वायरल मतलब गिलहरी, क्वायरल का मतलब झगड़ा, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, प्रिग मतलब जो अपने सिद्धांतों और उसूलों को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, मानता है उन्हें, बन
मतलब जूड़ा, समझते हो ना जूड़ा किसको होता है, बाल को ऐसे बांधा जाता है ऊपर जो, डाउटलेस कोई शक नहीं है, बेशक जिसको बोलते हैं, डिसग्रेस मतलब शर्म आनी, शर्म आती है जिस चीज को करने में, डिसग्रेसफुल। ऑक्यूपाई मतलब किसी की जगह लेना, स्प्राय मतलब बहुत झटपट से इधर से उधर होना, एक्टिव मूवमेंट जिसको बोलते हैं, डिनायल मतलब मना करना, टैलेंट मतलब होता है योग्यता, डिफर का मतलब होता है अलग भिन्न, वाइजली मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक, और क्रैक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ के खोलना, ठीक है, जैसे मूंगफली आप तोड़ते हैं फिर इसके अंदर से पीनट्स निकलते हैं ना, वैसे क्रैक करना। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग, आइए अब आगे देखते हैं, ये आपका आ गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब आपने जो ये पोयम पढ़ी उससे संबंधित कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं टिक द करेक्ट आंसर के रूप में, तो आप मुझे जवाब बताएंगे, आपने माइक जो है वो अनम्यूट करके रखिए, ठीक है। द क्वारल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल वॉज अबाउट, तो जो माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा हो रहा था वो किस चीज को लेके हो रहा था, लेंथ लंबाई, साइज आकार, एबिलिटी योग्यता, या स्ट्रेंथ शक्ति। एबिलिटी योग्यता। बाकी बच्चे भी जवाब दें, अपनी अपनी राय दें। यहाँ पे क्योंकि दो आंसर मुझे लगते हैं सही, साइज एंड एबिलिटी, वेरी गुड, साइज भी आएगा क्योंकि पहला जो मतलब दोनों के बीच बहस होती है वो साइज को लेके ही होती है, ठीक है ना, कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटी, और इस कविता में जो हमको सीख दी गई है वो एबिलिटी को लेके दी गई है, तो मुझे लगता है कि बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही है दोनों। फिर दूसरा वाला बताएंगे, द माउंटेन इज एबल टू, माउंटेन क्या करने में सक्षम है बताओ, कैरी अ फॉरेस्ट, हाँ कैरी अ फॉरेस्ट। बाकी बच्चे जो सुन रहे हैं वो भी जवाब दें, कैरी अ फॉरेस्ट, ठीक है। और तीसरा, द स्क्वायरल इज एबल टू, स्क्वायरल क्या करने में सक्षम है, पढ़िए समझिए और जवाब दीजिए, क्रैक अ नट, वेरी गुड, क्रैक अ नट, ठीक है। चलिए आगे वाली स्लाइड में इसी का आंसर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये तो आपने पहले ही बता दिया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर में। पहला, व्हाई डज द माउंटेन कॉल द स्क्वायरल लिटिल प्रिग, पहाड़ ने गिलहरी को तुम छोटी सिद्धांतवादी ऐसे करके क्यों चिढ़ाया, क्या बता सकते हो क्यों चिढ़ाया, कविता तो आपने सुनी अर्थ भी समझ गए, बताइए मुझे जो भी हो आपके दिमाग में बताइए। माउंटेन को अपनी साइज, हाँ माउंटेन को अपनी साइज को लेके घमंड था कि वो बहुत बड़ा है, तो वो गिलहरी को देख के बोलता है इसीलिए, है ना, यू लिटिल प्रिग, तुम छोटी सी हो लेकिन इतने सिद्धांतवादी हो, ऐसे। और दूसरा बताओ, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्वायरल अप्रिशिएट, है ना, देखो घमंड माउंटेन के अंदर था लेकिन गिलहरी के अंदर नहीं था, वो माउंटेन की बहुत सारी खूबियों को अप्रिशिएट भी करती है, मतलब उसकी तारीफ भी करती है, तो कौन कौन सी खूबियों की तारीफ करती है, वो क्या चीज है पहाड़ के अंदर, क्या क्या योग्यताएं रहती हैं जिसकी तारीफ करती है गिलहरी, सोचो सोचो माउंटेन की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी तारीफ करती है गिलहरी, मतलब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में कुछ तो बातें आई होंगी उसको बोल दीजिए, अभी तो आपने आंसर दिया था थोड़ी देर पहले टिक द करेक्ट आंसर में, नहीं समझे, माउंटेन क्या कर सकता है, फॉरेस्ट कैरी कर सकता है, हाँ कैरी द फॉरेस्ट, है ना, कि वो इतने बड़े जंगल को अपनी पीठ पर लाद सकता है, ऐसा बोलती कि नहीं बोलती गिलहरी, और क्या बोलती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, मतलब वो तारीफ करती है कि इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बड़े हो,
उसकी विशालता को वो अप्रिशिएट करती है कि हाँ तुम वाकई में बहुत बड़े हो। ठीक है, अब तीसरा, व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनेबल टू परफॉर्म, कौन सा काम है जो माउंटेन नहीं कर सकता? गिलहरी जैसे फिर से बोलो बेटा, नहीं समझ में आया मुझे। बन अनाथ हाँ, माउंटेन डज नॉट क्रैक अ नट, कि वो नट को नहीं तोड़ सकता। फिर चौथा, डू यू लाइक द स्क्वायरल्स रीजनिंग व्हाई, क्या तुम गिलहरी के तर्कों से सहमत हो? जो वो तर्क देती है, क्या तुम उससे सहमत हो? नहीं हो सहमत? है तो तुम मैम, यस मैम, सहमत हो? क्यों, यस मुझे बताओ क्यों सहमत हो? मतलब तुमको क्या लगा गिलहरी के बारे में, सही चीज क्या है? यहां लिखा है ना वाई, क्यों क्यों सहमत हो? तुम्हें क्या लगता है कि उसने जो बोला ठीक बोला, सही बोला? अपनी बात रखो, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ना क्वेश्चन, क्यों? गिलहरी को घमंड नहीं था। वेरी गुड, क्योंकि उसको घमंड भी नहीं था और वो उसको ये बताना चाहती थी कि इस दुनिया में सभी लोग बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, और सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं और दोनों की उतनी ही इंपॉर्टेंस है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ठीक है, चलिए आगे इसका आंसर्स हैं उसके, ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने आंसर भी बताया, आप इसको मन से भी लिख सकते हो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए, यस मैम। चलिए वोकैबुलरी पोर्शन में आते हैं अपन। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेजेस एंड मेक सेंटेंसेस। ये जो फ्रेज लिखे हुए हैं ना, इनके मतलब ढूंढिए और उनसे वाक्य बनाइए। लिटिल प्रिग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेक अप अ ईयर, ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑल इज वेल। तो इनके मतलब क्या होते हैं, ये जो फ्रेज लिखे हुए हैं इनके मतलब क्या होते हैं और इनसे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दूं कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज आपने पहले भी पढ़ा है, इस प्रकार दो या तीन शब्द हो, या तीन से हो सकता है चार भी हो जाए, कहीं भी कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ थ्री और फोर वर्ड्स विच हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग बट नॉट अ सेंटेंस। हम इसको एज अ सेंटेंस नहीं डिपिक कर सकते, क्योंकि सेंटेंस पूरा लंबा होता है जिसमें आपके पास एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, सेंटेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ बात होती है जो कही जा रही है, वर्ब होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन ये फ्रेज क्या होता है, फ्रेज छोटे छोटे शब्दों का समूह होता है जिससे हमें पूरी बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन हाँ अगर ये किस स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं वो चीज समझ में आती है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लिटिल प्रिग, मेकअप अ ईयर, ऑल इज वेल, इस तरीके की चीजें, इसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो आइए देखते हैं इससे किस प्रकार से इसकी मीनिंग क्या है इन सारे फ्रेजेस की, और इसे कैसे मैंने सेंटेंस बनाया है वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये थोड़ा सा ब्लर है बस मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला है लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है अ पर्सन हु ओबेज द रूल्स ऑफ करेक्ट बिहेवियर, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो हमेशा सही रास्ते पे चलने की कोशिश करे, हमेशा रूल्स फॉलो करे, है ना, मतलब कभी भी बिलो द लाइन नहीं जाएगा, लाइन तोड़ के काम नहीं करेगा, हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा, सिद्धांत अपने मानेगा, सही चीजें अपने मानेगा, उसको लिटिल प्रिग वो बोल। सेंटेंस कैसे बना, व्हेन माउंटेन्स क्वारल विद स्क्वायरल ही सेड द लिटिल प्रिग टू द स्क्वायरल, जब माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हुआ तो माउंटेन ने स्क्वायरल को क्या कहा, लिटिल प्रिग। आसान था, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीजें, क्या मतलब हुआ, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना, बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग चीजें जहां पर इकट्ठी हो तो हम उसको बोलते हैं ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, डोंट फॉरगेट दैट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स मेक अ ग्रेट थिंग, मत भूलो कि अलग अलग प्रकार की चीजें ही मिलकर महान चीज बनती। तीसरा, मेकअप ईयर, एक साल बन, लेकिन यहां पर इसका लिटरली ये अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ है इसका, फर्निश समथिंग बिग, कुछ बड़ा करना, किसी बड़ी चीज के बड़े काम को अंजाम देना। इसका क्या सेंटेंस बना, व्हाट एवर यू आर टू बिग,
बट स्टिल कैन नॉट मेक अप एन ईयर. तो क्या हुआ, तुम बहुत बड़े, यू स्टिल कैन नॉट मेक अप एन ईयर. तुम कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रहे फिर भी, तो तुम्हारे बड़े होने का कोई फायदा ही नहीं है ना तुम्हारी विशालता का. इसको आप माउंटेन स्क्वायरल वाले से जोड़ के मत देखिएगा, ये दूसरा ही सेंटेंस है. फिर चौथा है ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी जगह लेना, मतलब कैप्चर समवन्स पोजीशन, किसी की पोजीशन को कैप्चर कर लेना, मतलब उसको छीन लेना, उस पर कब्जा कर लेना, कैप्चर. क्या सेंटेंस बना, व्हाई यू ट्राइंग टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, तुम मेरी जगह लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो. ऑक्यूपाई करना, जगह लेने की कोशिश करना, ठीक है. फिर लास्ट, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज गुड. ये फ्रेज तो आपने 3 Idiots मूवी में बहुत सुना है, ऑल इज वेल, सब कुछ सही, ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है. सुना है कि नहीं सुना है? इसका मतलब यही होता है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ अच्छा है. इसका सेंटेंस, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग आई परफेक्ट बिकॉज दिस यूनिवर्स इज मेड बाय गॉड. ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि इस विश्व को किसने बनाया है, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है. चलिए अब इस वोकैबुलरी सेक्शन का हम बी देखते हैं. यहाँ पे लिखा है, लुक फॉर वर्ड्स एंड फ्रेज विच डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द स्क्वायरल एंड द माउंटेन. एन एग्जाम्पल इज डन फॉर यू. एक साइड स्टेबल में माउंटेन है, दूसरे साइड स्क्वायरल है. आपको उन दोनों की क्वालिटीज के बारे में बताना है. ऐसे फ्रेज लिखने हैं, फ्रेज जैसे मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया, फ्रेज है ना, दो या तीन शब्दों का समूह जिससे कुछ स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आए. तो माउंटेन के बारे में ऐसे कौन कौन से फ्रेज हो सकते हैं और स्क्वायरल के बारे में कौन कौन से फ्रेज हो सकते हैं. यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, माउंटेन जैसे कि वो बिग था, यहाँ बिग लिखा हुआ है, स्क्वायरल छोटी थी, तो यहाँ पे छोटा लिटिल लिखा हुआ है. तो ऐसे ही आपको चार चार बताने हैं. तो माउंटेन के बारे में आप बता सकते हो क्या, क्या क्या ऐसी ऐसे फ्रेज बता दीजिए जिससे उसकी क्वालिटीज के पता चलता है. मैं आपको एक और इजी कर देती हूँ, एक एग्जांपल और देती हूँ. माउंटेन में आप लिख सकते हो कैरी अ फॉरेस्ट, बस इतना ही, ये फ्रेज हो गया. स्क्वायरल में लिख सकते हो क्रैक अ नट, ये इसके लिए हो गया. तो वैसे ही बाकी चीजें भी बता सकते हो क्या. माउंटेन में आप लिख सकते हो लार्ज, स्क्वायरल में आप लिख सकते हो स्मॉल. फिर स्क्वायरल में एक और लिख सकते हो स्प्राय मूवमेंट, बहुत फुर्तीली होती है. चलिए नहीं बना पा रहे हैं तो मैं इसका आपको आंसर दिखा देती हूँ जो मैंने बनाया है. ये देखो माउंटेन और स्क्वायरल में बिग, बिग के नीचे मीन लिखा है लार्ज. फिर दूसरा नॉट एक्टिव, एक्टिव कहाँ रहता है, माउंटेन तो एक जगह पे खड़ा रहता है ना बस. फिर कैन कैरी फॉरेस्ट, कैन नॉट क्रैक अ नट. और स्क्वायरल में देखो क्या क्या लिखा है, एक्टिव, कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, कैन क्रैक अ नट और स्प्रे. स्प्रे का मतलब बहुत फुर्ती, चंचल होती है. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आप लोगों से नहीं बन पाया. ठीक है, अब आते हैं चलिए ग्रामर पोर्शन में. ये देखो ये ग्रामर पोर्शन, इसको ध्यान से सुनिए और आप लोग अपने माइक ऑन रखिए, ठीक है ना, क्योंकि आप अगर गलत भी बोल रहे हैं मगर बोलिए जरूर ताकि मुझे समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है. नहीं समझ में आता वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, राम कहानी जैसे सुनने की जरूरत नहीं है. आप मुझे टोकिए, रोकिए और पूछिए कि आप क्या बोलो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूं. ठीक है, इस ग्रामर में आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो सेंटेंसेस दिए हुए हैं दो, आपको क्या करना है उन दोनों को जोड़ना है, किसकी सहायता से, एंड और बट की सहायता से. दोनों के मतलब पता है आपको, एंड और बट के. क्या आपको एंड का मतलब मालूम है? यस मैम. क्या होता है? और. ठीक, और बट का मतलब? इस्तेमाल करना है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए. ठीक है, थोड़े दिन पहले ही कंजंक्शन आप तो जानते ही होंगे, आपने पढ़ा ही होगा कंजंक्शन, है ना. ऐसे शब्द है जो दो
शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो फ्रेज को आपस में जोड़ते हैं, है ना, और क्लॉज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक मेन सेंटेंस होता है, उसका सब क्लॉज होता है, उनको भी कनेक्ट करने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको यहाँ पर सिर्फ दो दिया हुआ है, एंड और बट। मतलब आपने बता दिया, एंड का मतलब और होता है, बट का मतलब होता है लेकिन या परंतु। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो ताकि आपको अच्छे समझ में आए। कैमराज कैप्चर लाइट ऑन फोटो फिल्म। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, डिजिटल कैमरा कैप्चर इमेजेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी। पहला वाक्य, कैमरा जो है वो फोटो फिल्म में लाइट कैप्चर करता है। फिर लिखा है डिजिटल कैमरा इमेजेस कैप्चर करता है कहाँ, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ा किससे, इसने बट से जोड़ा। अब ये पूरा सेंटेंस का मतलब होगा कि कैमरा जो है फोटो फिल्म पे लाइट कैप्चर करके इमेज बनाता है, लेकिन डिजिटल कैमरा कंप्यूटर की मेमोरी पे फिल्म कैप्चर करता है। समझ में आया? पहला सेंटेंस मैं बोलने जा रही हूं, ही रीड द टेक्स्ट बुक। वह टेक्स्ट बुक पढ़ता है। सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप लगा है। अब उसके नीचे दूसरा क्या लिखा है, ही मेड नोट्स फ्रॉम देम। वह उनसे नोट्स बनाता है, नहीं उसने उनसे नोट्स बनाया, मेड, सॉरी पास्ट टेंस, इसलिए बनाया। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम एंड लगाएंगे कि बट लगाएंगे, कोशिश कीजिए। एंड बोल के बताओ, बोल के कैसे एंड लगा, एंड। हाँ बोलो, एंड फिर से बोलो, फिर से बोलो। Read the textbook and make notes from them. Very good, बहुत सही। He read the textbook and made notes from them. पहले वाले में एंड लगे, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा बताइए, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 ईयर्स। ठीक है, क्रोकोडाइल की एवरेज लाइफ स्पैन होता है जंगल जहां वो रहता है, ठीक है, वो है 45 साल। इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी मतलब अगर वो किसी बहुत ही गहरी सुरंगनुमा जगह में रहता है, अंधेरे में, गहरे में, ठीक है, तो वहां वो कितने दिनों तक जी सकते हैं, कितने सालों तक जी सकते हैं, 80 सालों तक जी सकते हैं। तो अब यहां पे इन दोनों सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे? मैम बट लगाकर, बट लगा के, हाँ बिल्कुल सही, बट लगा के। बोलो बोलो बोलो, बट लगा के बोलो। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ क्रोकोडाइल इन द वाइल्ड इज 45 years, but in captivity they are now to live up to 18 years. Very, बहुत सही। आप लोग इसका मतलब पूरी तरीके से समझ गए। तीसरा, a cricket is an insect which varies from 0.1 to 2 inches. It is an insect which has hind legs for jumping. Cricket यानी झिंगूर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि वो एक कीड़ा है जो 0.1 से लेके 2 इंच तक लंबे हो सकते हैं। और दूसरा सेंटेंस है, इट इज एन इंसेक्ट विच हैज हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग, कि एक ऐसा कीड़ा है जिसके पैर जुड़े हुए होते हैं जंप करने के लिए। अब इसको कैसे जोड़ेंगे? जो बच्चा अभी तक नहीं बता पाया वो बताए। कृष्णा तो बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुका है और अच्छी बात है, कोशिश भी कर रहा है। बाकी बच्चे जो जुड़े हैं वो भी कोशिश करें बेटा। चलिए फिर एक लास्ट ही बचा है। बहुत ही आसान है, किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा? किससे जुड़ेगा? एंड लगाऊं कि बट लगाऊं, क्या लगाऊं उसमें? एंड एंड। अच्छा तो बोल के दिखाओ मुझे। A cricket is an insect which varies from 0.1 to 0.1 inches and has
हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग. देखो यहाँ पे एंड लगेगा वो सही है, लेकिन एंड लगाने के बाद ये जो दूसरा सेंटेंस का कुछ हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा बेटा. ये ऐसे बनेगा, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट विच वेरीज फ्रॉम 0.1 to 2 इंचेस एंड हैज, उसके बाद सीधा हैज लगाओ गया, एंड हैज हाइंड लेग्स फॉर जंपिंग. ये नहीं कि एंड इट इज एन इंसेक्ट विच हैज हाइंड लेग्स, ऐसा नहीं लिखना. एंड लिखने के बाद आप हैज से शुरुआत करोगे. इट इज एन इंसेक्ट विच, यहां तक इसको हटा देंगे आप, ठीक है. वो अननेसेसरी लिखा हुआ है क्योंकि जब एंड लगाओगे तो उसके लिखने की जरूरत नहीं है. और लास्ट वाला, यू कैन पे योर बिल विद कैश, यू कैन ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाय चेक. आपके पास बिल पे करने के लिए कैश से भी आप पे कर सकते हो या चेक से भी, दूसरा सेंटेंस में लिखा है. क्या लगेगा एंड की बट? सीधी सी बात है, एंड एंड. और जो सेकंड सेंटेंस है उसका यू जो है ना वो हट जाएगा. यू कैन पे योर बिल विथ कैश एंड ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग बाय चेक, ठीक है. तो चलिए इसका आंसर वाली स्लाइड देख लेते हैं. वैसे तो सारे आंसर आपने सही सही बता दिए, फिर भी उसके आंसर मैंने लिख के रखे, इसलिए मैं आपको पहले दिखाती नहीं क्योंकि आपसे मुझे निकलवाना रहता आंसर. वैसे तो आपने बना दिया सारा, फिर भी ये है उसके जवाब. चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आपने सही सही बनाया है पूरा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है. ये देखिए यहाँ इसमें, यहाँ पर देखो कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स हैं, तीन एनिमल्स. क्या क्या दिख रहा है आपको बताओ? एलिफेंट, हाँ, मंकी, जिराफ, जिराफ और एलिफेंट, है ना. और इनके इनको डिस्क्राइब करने वाले शब्द ऊपर रेड कलर के बॉक्स में लिखे. हैवी मतलब भारी, बिग मने बड़ा, टॉल मने लंबा, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ठीक है, लॉन्ग यानी लंबा, फिर है गुड यानी अच्छा, स्लो मने धीरे और स्मॉल मतलब छोटा. अब आपको एक एग्जांपल भी बना दिया, द जिराफ इज टॉलर देन द एलिफेंट, कि जिराफ जो है वो एलिफेंट से ज्यादा लंबा होता है. आपको ऐसे ही यहाँ पे मैंने आंसर सॉरी लिख दिया है. वैसे आप इसके अलावा भी अलग से कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करके ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं. मतलब ये जो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है उनको लेके देखो कैसे सेंटेंस बना है. द एलिफेंट इज हैवियर देन जिराफ, कि एलिफेंट जो है वो जिराफ से ज्यादा हैवियर होता है. कौन सी डिग्री है ये? हैवियर देन, बिगर देन, मच इंटेलिजेंट, लॉन्गर देन, फिर स्लोअर देन, कौन सी डिग्री है ये? आप 8th क्लास में हो, आपको पता है डिग्री, पढ़ चुके हैं आप. पॉजिटिव डिग्री, कंपरलेटिव डिग्री कि सुपरलेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री है ये? किसमें आपके एडजेक्टिव में ER लगता है और देन लगता है, बताओ मुझे जल्दी. जहां पर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कौन सी डिग्री हुई? तो कंपरलेटिव डिग्री. वेरी गुड, कंपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करके ये सारे सेंटेंस बने हैं. उसकी निशानी क्या है? जो भी आपको यहाँ एडजेक्टिव है उसमें ER लगाते हैं, फिर देन का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दो लोगों के बीच यहाँ पर हम कंपेरिजन कर. The elephant is heavier than giraffe. फिर the elephant is bigger than the monkey and giraffe. The monkey is much intelligent than elephant. यहाँ पे much नहीं आएगा, यहाँ पे more होगा. Sorry, my mistake, मेरे से गलती से हो गया. वहां पे much नहीं आएगा, more आएगा. Comparative degree है तो, है ना? ये much more most होता है. यहाँ पे more आएगा. ठीक है? आप लोग उसको correction कर लेंगे. उसके बाद है जिराफ हैज लॉन्गर नेक देन द एलिफेंट एंड मंकी, कि जिराफ की गर्दन लंबी है किससे? हाथी और मंकी से. फिर है द एलिफेंट इज स्लोअर देन द मंकी, एलिफेंट जो है वो मंकी से स्लोअर है. और ये लास्ट वाला है स्मॉल, स्मॉल में आप कर लीजिए कि मंकी इज स्मॉलर देन द एलिफेंट एंड जिराफ, हो गया, है ना. मच की जगह पे मोर कर लीजिएगा, बाकी ये इस तरीके से सेंटेंस
आप खुद भी बना सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को देखिए, दो तीन चीजें ले लीजिए, उसको कंपेयर कर करके इस तरीके से उनके कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आप निकाल लीजिए, और इसके बाद खुद भी इस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? डिग्री आपको पता ही है, आपने पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये समझ में आया बच्चों? ये डिग्री वाला और उसके पहले एंड और बट वाला, कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ओके, थैंक है यू। मैम। ओके ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।